नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के एफके पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस के लिए उमड़े ऑटो। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित प्राचीन सीडी बावड़ी का सफाई काम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के सीएनजी पर चलाने वाले ऑटो को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से सीएनजी गैस उपलब्ध नहीं रहने से ऑटो चालक परेशान चल रहे हैं। आज जैसे ही गैस का स्टॉक एफके पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो शहर भर के ऑटो सीएनजी गैस भरवाने के लिए एक लंबी कतार में जुट गए। शहर के मार्केट पुलिस स्टेशन से पेट्रोल पंप तक लाइन लगी रही। वहीं चार पहिया वाहन, कार आदि भी गैस के लिए कतार में लगे रहे। इसी बीच ऑटो चालक एकजुट होकर पंप के जिम्मेदारों से गैस के लिए आग्रह करते नजर आए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र हजार मुल्तानी बादशाह की दरगाह के पीछे रहे सीरी बावड़ी की सफाई का काम जारी है, जिसको वार्ड के काउंसलर मोहम्मद दाऊद के नेतृत्व में नगर सभा कर रही है। यह एक प्राचीन बावड़ी है जो पानी का एक बड़ा जरिया है, लेकिन इसमें आसपास की गंदगी भर जाने से पानी उपयोग के लायक नहीं रहा। अक्सर गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत क्षेत्र में पेश आती है। ऐसे में यह बावड़ी की पूरी तरह सफाई हो जाती है तो इस पानी का उपयोग के लायक हो जाएगा और क्षेत्र में पानी की किल्लत को पूरा किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में रहे पूजा फंक्शन हॉल में ब्राइडल कंपटीशन एंड सेमिनार का आयोजन किया गया। यह एक दिवसीय सेमिनार जिसमें बीदर जिले के सभी तालुकों और गुलबर्गा के भी ब्यूटी पार्लर के प्रमुखों ने भाग लिया। इस मौके पर मॉडलिंग प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें हीना शेख ने भाग लिया। इस मौके पर जिले भर के विभिन्न पार्लर द्वारा ट्रेनिंग और अपने अपने आर्ट को प्रस्तुत किया गया। इस शिविर में पार्लर द्वारा अपने अपने मेकअप करने की कला को प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस प्रतियोगिता में जजेस ने विजेताओं को पुरस्कारित किया। इस प्रतियोगिता शिविर को प्रिया जेपी मेकअप द्वारा किया गया था। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को अपने बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया से जुड़े पोस्टिंग के लिए नकद घोटाले के आरोपों का खंडन किया। यतीन्द्र सिद्धरामैया के एक वायरल वीडियो पर राजनीतिक विवाद के बीच, जिसमें उन्होंने अपने पिता से एक सूची पर काम करने के लिए कहा था, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक्स पर एक पोस्ट में अपने बेटे के बचाव हुए सामने आए। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने यतीन्द्र सिद्धरामैया पर कैश फॉर पोस्टिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। वीडियो में यतीन्द्र को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने केवल 5 दिए हैं, विवेकानंद कौन है। वीडियो पर साजिश के सिद्धांत बनाने के लिए एचडी कुमार स्वामी पर हमला करते हुए सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि उनके बेटे को जो फोन कॉल आया था वह कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर फंड के बारे में था, न कि हस्तांतरण के लिए नकद, जैसा कि कुमार स्वामी ने आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता विवेकानंद के नाम पर सिर्फ कहानियां गढ़ रहे हैं। कुमार स्वामी षड्यंत्र के सिद्धांत गढ़ने में माहिर हो गए हैं, सिर्फ विवेकानंद के नाम से ही कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक स्पष्टीकरण जारी किया था कि फोन कॉल सीएसआर फंड का उपयोग करके स्कूलों के विकास के बारे में न था, और हमने दस्तावेज भी जारी किया। जो दस्तावेज जारी किया गया है उस पर मैसूर तालुका बीओ विवेकानंद ने हस्ताक्षर किए। फोन पर बातचीत इस विवेकानंद के बारे में थी जिन्होंने विकास के लिए स्कूलों की सूची पर हस्ताक्षर किए थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नतीजों के लगभग 6 महीने बाद भाजपा ने बेंगलुरु के एक 5 सितारा होटल में दिन भर चली बैठक के बाद वरिष्ठ विधायक आर अशोक को कांग्रेस शासित दक्षिण राज्य में विपक्ष के नेता के रूप में घोषित किया। हालांकि बीजेपी के कई दिग्गज इस पद की दौड़ में थे, लेकिन पार्टी ने वो कलिंगा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना है। इससे पहले आर अशोक ने कहा था कि एलओपी पद के लिए 4 से 5 दावेदार हैं, मेरे सहित 4 से 5 उम्मीदवार हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, इसीलिए बिना किसी भ्रम या बाधा के नए नेता का चुनाव किया जाएगा। मैंने कल सुनील कुमार सीएन अश्वथ नारायण से बात की, नेता कोई भी बने कोई आपत्ति नहीं, पार्टी महान है, मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने यह हमारा नारा है। आगामी आम चुनाव से पहले एलओपी कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी, पार्टी आलाकमान ने हाल ही में पूर्व सीएम येडियुरप्पा के बेटे लिंगायत नेता और पहली बार विधायक बने बीवाई विजेंद्र को राज्य भाजपा प्रमुख नियुक्त किया है। आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के इस बयान पर कि राज्य के सभी वरिष्ठ भाजपा विधायकों को अब मुस्लिम स्पीकर यूटी खादर के सामने झुकना होगा, विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने तीखी आलोचना की है। शुक्रवार को चुनावी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए जमीर अहमद खान ने कहा कि उनकी पार्टी ने उन्हें और रहीम खान को सिद्धरामैया कैबिनेट में मंत्री बनाया है, और सलीम अहमद खान को उच्च सदन का मुख्य सचेतक और नसीर अहमद को राजनीतिक सचिव नियुक्त किया। कर्नाटक के इतिहास में कभी भी किसी मुस्लिम को विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया गया, यूटी खादर को सदन का स्पीकर बनाया गया है। अब सदन में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को स्पीकर के सामने झुककर नमस्कार करना होगा। यह सब कांग्रेस के कारण संभव हुआ है। संवैधानिक पद का अपमान करने के लिए विपक्षी दलों के कई नेताओं की आलोचना के बीच जमीर ने तुरंत स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल कांग्रेस द्वारा मुस्लिम समुदाय को दिए गए सम्मान के बारे में बात की थी और उन्होंने किसी भी पार्टी के विधायकों का अपमान नहीं किया था। जमीर पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि जमीर ने ऐसी टिप्पणी करके सम्मानित वक्ता के आसन के प्रति अपना अनादर दिखाया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जनता दल सेक्युलर ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर सीएम इब्राहिम को निलंबित कर दिया। सीएम इब्राहिम के निलंबन के साथ जेडीएस ने नया अध्याय जोड़ा है। शनिवार को पार्टी के बयान के अनुसार जनता दल सेक्युलर ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी नेता और राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को निलंबित कर दिया। बयान में जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ पार्टी के गठबंधन के संबंध में इब्राहिम द्वारा जारी किए गए विरोध आभासी बयानों का हवाला दिया। इससे संबंधित पहले की चर्चाओं का हिस्सा होने के बावजूद इब्राहिम ने 7 नवंबर को कार्यकारी समिति भंग होने के बाद भी राज्य इकाई के अध्यक्ष बने रहने का दावा किया। उन्होंने आगे भाजपा गठबंधन के पक्ष में नेताओं से पार्टी से इस्तीफा देने का आग्रह किया।
जेडीएस का नवीनतम कदम पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक गतिशीलता में एक नया अध्याय जोड़ता है, जिसके प्रभाव अभी सामने आने बाकी है। कर्नाटक के स्पीकर यूटी खादर ने शनिवार को कहा कि स्पीकर का पद ना तो धार्मिक और ना ही राजनीतिक पद है, बल्कि यह एक संवैधानिक पद है। आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के एक विवादास्पद बयान पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए खादर ने कहा, अध्यक्ष के पद को राजनीतिक या धार्मिक प्रकाश में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक संवैधानिक पद है जो हर चीज से परे है। मुझे जो सम्मान दिखाया गया वह पद और सीट का सम्मान है। हमें पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मंत्री जमीर ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी विधायक कर्नाटक में मुस्लिम स्पीकर के सामने सलाम ठोकेंगे, क्योंकि पार्टी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। इस बयान से विवाद खड़ा हो गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मंत्री जमीर अहमद खान की आलोचना की, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि उन्हें बयान देते समय सावधान रहना चाहिए। अध्यक्ष खादर ने कहा कि वह दूसरों की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मुझे जाति या धर्म के आधार पर इस पद के लिए नहीं चुना गया है। मेरी नियुक्ति पात्रता और इस विश्वास पर की गई है कि मैं संविधान के अनुसार काम करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाले विश्व कप फाइनल की पृष्ठभूमि में विजयपुर शहर के अम्बेडकर सर्कल में क्रिकेट प्रेमियों ने नारे लगाए कि भारत को विश्व कप जीतना चाहिए। क्रिकेट प्रेमियों ने इंडिया इंडिया और इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने भारत की जर्सी पहनी और भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी कल के मैच में अच्छा प्रदर्शन करें। इस मौके पर फयाज कलदगी ने मीडिया से बात की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं 2023 क्रिकेट विश्व कप में हमारी टीम इंडिया जो है प्रवेश कर चुकी है, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जिसके चलते आज जो है हम शहर बीजापुर में जो है हमारे बीजापुर के क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट अभिमानी और तमाम क्रिकेटर्स और तमाम लोग जो है मिलकर उस टीम इंडिया को उस ऊपर वाले से प्रार्थना और ये दुआ करते हैं कि हमारी टीम इंडिया जो है विश्व कप जीत कर आए और हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा करे, पूरे विश्व में हमारा नाम जो है रोशन करे। धन्यवाद। फयाज कलदगी। सूत्रों के मुताबिक खनन कारोबारी और राजनेता गली जनार्दन रेड्डी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में फिर से शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। रेड्डी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष केआरपीपी बनाई थी और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में भाजपा के प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया था। वह गंगावती निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए। रेड्डी ने दिवाली त्योहार से पहले अपनी पार्टी केआरपीपी को भंग कर दिया, जिससे राज्य के राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा का उत्थान हुआ। पारिवारिक राजनीति और भ्रष्टाचार के आरोपों को कम करके येडियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना यह भी संकेत देता है कि भगवा पार्टी रेड्डी के स्वागत के लिए कमर कस रही है। भाजपा ने रेड्डी द्वारा अपनी पार्टी शुरू करने के बाद उन पर लगे कथित आपराधिक आरोपों को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूर रखा था। रेड्डी ने येडियुरप्पा के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, लेकिन उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि उन्होंने उनके राजनीतिक करियर में मदद की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के एफके पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस के लिए उमड़े ऑटो। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित प्राचीन सीडी बावड़ी का सफाई काम जारी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।